पुराने समय में इस प्रकार के पेन हुआ करते थे जो आज के समय में कहीं देखने को भी नहीं मिलता है। इनको चलाने के लिए इंक पोर्ट अलग से रखना पड़ता था। ये मोर पंख नहीं पेन स्टैंड है और इसकी विशेषता ये है कि ये कुछ स्याही को अपने अंदर रोक के रखता है। जी इस तरह से लिखा जाएगा सर जी। ये आपकी इंक पोर्ट है और स्याही को भी घर पे ही तैयार किया जाता था। जो अपन दीपक जलाते हैं उसका धुआं जो जहाँ पे इकट्ठा होगा उससे काजल और इंक तैयार होती थी घर पे ही। और फिर आप देखेंगे राजघरानों में इस तरह की चांदी के पेन भी यूज हुआ करते थे। उसी की श्रृंखला में आपको सर आप देखेंगे इसको कलम दान बोलते थे और ये तीन पोर्ट्स हैं चीनी मिट्टी के बने हुए आप देखेंगे। और कुछ स्याही यहाँ बिखरी हुई भी आपको नजर आ रही है पुराने जमाने की। बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग तरह की ब्लैक और ब्लू और रेड तीन कलर की स्याही का यूज होता था। उम्मीद है कि आप पुराने समय के इस एजुकेशन किट से परिचित हो चुके होंगे।